रतन टाटा की क्यों नहीं हुई शादी बताते हुए भावुक हुए रतन टाटा। कहा बे इंतहा मोहब्बत थी लेकिन बहुत लंबी दूरी बन गई। रतन टाटा ने क्यों नहीं की शादी, ये सवाल लंबे समय से पूछा जाता रहा है। अब रतन टाटा ने खुद बताया आखिर वो वजह है क्या थी जिसकी वजह से उनकी शादी बीच में ही टूट गई। रतन टाटा बिजनेस वर्ल्ड का वो नाम है जिनके आगे बड़े बड़े सूरमा भी थर्रा जाते हैं। टाटा 85 साल के हो चुके हैं, भले पारंपरिक बिजनेस से वो दूर हो गए हों लेकिन आज भी उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके जीवन में शायद किसी चीज की कमी हो लेकिन वो जीवन भर सिंगल रह गए, इसका जरूर उन्हें मलाल रह गया होगा। रतन टाटा ने बताया कि कैसे वो शादी के बंधन में बंधने वाले थे लेकिन ऐन मौके पर उनकी शादी टूट गई, जिसके बाद उन्हें कभी दूसरी लड़की से प्यार ही नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कभी शादी की। देश में ऐसे कुछ बैचलर्स हैं जिनकी शादी को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। इस लिस्ट में सलमान खान, राहुल गांधी के साथ साथ रतन टाटा का भी नाम आता रहा है। अभी हाल ही में सलमान खान अपना जन्मदिन मना रहे थे जिस दौरान संगीता बिजलानी के साथ उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। ये वही संगीता बिजलानी थी जिनके साथ सलमान की शादी होने वाली थी लेकिन फिर नहीं हो पाई। कुछ ऐसा ही किस्सा टाटा का भी है, उन्होंने जिससे प्यार किया वो उन्हें मिल ही नहीं पाई क्योंकि रतन टाटा की मोहब्बत में दो देशों की दूरियां थी। 28 दिसंबर को रतन टाटा का जन्मदिन मनाया गया। इसी दौरान उनके एक इंटरव्यू में हुई बातचीत को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। इसी पोस्ट में बताया गया कि रतन टाटा ने अपनी शादी और सिंगल लाइफ से जुड़ी क्या बातें बताई। अंग्रेजी में ये पोस्ट डाली गई है जिसका सीधा हिंदी अनुवाद सुनिए। मेरा बचपन अच्छा था, जैसे जैसे मैं और मेरे भाई बड़े हुए हम दोनों को माता पिता के तलाक के कारण दिक्कतें उठानी पड़ी। वो ऐसा दौर था जब तलाक आज की तरह एक सामान्य और आम सी बात नहीं हुआ करती थी। ऐसे वक्त में हमारी दादी ने हमारा हर तरीके से ख्याल रखा। जब मेरी माँ ने दोबारा शादी की तो स्कूल में लड़के कई तरीके की बातें किया करते थे, वो हमें परेशान करते थे। दादी ने हमें ऐसे हालातों से निपटना सिखाया। उन्होंने हमेशा बताया कि हमें साथ कैसे रहना है, हमें हर कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। इस पोस्ट में रतन टाटा और उनके पिता के बीच हुए मतभेदों के बारे में भी जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि मैं हमेशा से वायलिन सीखना चाहता था लेकिन पिता चाहते थे कि मैं पियानो सीखूं। मैं हायर स्टडी के लिए अमेरिका जाना चाहता था लेकिन वो चाहते थे मैं ब्रिटेन में जाकर पढ़ाई करूं। मुझे आर्किटेक्ट बनने में दिलचस्पी थी लेकिन पिता का कहना था कि मैं इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहता। हालांकि रतन टाटा की इच्छा पूरी हुई थी, वो अमेरिका पढ़ाई करने गए। अमेरिका की कॉर्नल यूनिवर्सिटी सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। रतन टाटा ने इसका श्रेय अपनी दादी को दिया। वो कहते हैं मैंने दाखिला तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही लिया था लेकिन बाद में आर्किटेक्चर की डिग्री ली। पढ़ाई के बाद लॉस एंजल्स में नौकरी की शुरुआत की और करीब 2 साल तक काम किया। यहीं उन्हें प्यार भी हुआ। उन्होंने आगे कहा कि वो बहुत अच्छा समय था, मौसम भी खूबसूरत था, मेरे पास गाड़ी थी, नौकरी से भी प्यार था। उसी शहर में मुझे मेरी मनपसंद की लड़की मिली और प्यार हो गया। मैं उससे शादी करने ही वाला था तभी भारत वापस लौटने का फैसला लिया क्योंकि मेरी दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मैंने ये सोचकर योजना बनाई कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो भी मेरे साथ भारत आ जाएगी। लेकिन तभी 1962 में भारत चीन की जंग शुरू हो गई जिसके बाद उस लड़की के माता पिता ये नहीं चाहते थे कि वो भारत जाए। इस तरह से ये रिश्ता टूट गया और रतन टाटा का प्यार अधूरा रह गया। तो ये थी रतन टाटा के सिंगल रहने के पीछे की कहानी। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइव, बिहार।